नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं चाइना के गोंजो शहर में हूं। आप देख सकते हैं यहां पर सभी कुछ ओपन है और सभी लोग एकदम छूट से घूम फिर रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी बहुत गंद मची हुई है, खास तौर पर टीवी न्यूज चैनल और कई यूट्यूब चैनल के सितारों ने गंद मचा रखी है कि भाई चाइना में सब मर रहे हैं, हालात बहुत खराब है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज झूठी खबर ना फैलाए अपने चंद फायदे के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली, मैं यहां चाइना में रहता हूं और मेरी फैमिली है इंडिया में, और ये सब जो न्यूज चल रही है, गलत न्यूज, झूठी खबरें चल रही है टीवी में, उसकी वजह से मेरी माता जी को जो है, जो कि तकरीबन 70 साल के करीब है, उनको बीपी हाई हो गया और काफी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टीवी न्यूज चैनल्स से और यूट्यूब चैनल के कुछ प्रोपराइटर से कि भाई प्लीज अपने चंद फायदे के लिए झूठी खबरें ना फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है दोस्तों। ये बंदा है, देख रहे हो आप, ये बंदा है भारत का और दोस्तों चाइना में रहता है। दोस्तों इसने एक वीडियो बना के सबको बताया कि चाइना में कोरोना नहीं है, है लेकिन थोड़ा थोड़ा एक दो कैसे, और ये सारे इंडिया के न्यूज़ चैनल को मतलब टारगेट किया और यूट्यूब चैनल को टारगेट किया कि ये लोग गंद मचा रहे हैं, यानी कि कोरोना के नाम पे बहुत ही पैसे छाप रहे, ऐसा कुछ वो बताते हैं, और कोरोना नहीं है और उसके परिवार में से उसकी दादी को हार्ट अटैक यानी कि बीपी हाई हो चुका है, ऐसा वो बताते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना।